मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, जीत का दावा कर रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई और कांग्रेस ने 136 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। तो कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी जीत का दावा कर रही है और इस चुनाव से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं कांग्रेस खेमे के लिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह भी सामने आ रहा है। लंबे वक्त से दावे यही किए जा रहे हैं कि सिंधिया गुट को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि अब सिंधिया के समर्थकों की घर वापसी भी देखने को मिल रही है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवपुरी कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे बैजनाथ सिंह यादव फिर से 14 जून को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश में दल बदल के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वह शामिल हुए और बीजेपी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई ना होना, भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। बैजनाथ सिंह यादव का कहना है कि 14 जून को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ही तरफ बीजेपी की तरफ से प्रदेश महामंत्री भगवान दास नानी ने उन्हें नोटिस दिया है। उन्हें नोटिस देते हुए उनके पार्टी छोड़ने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर जवाब तलब भी किया है। आपको बता दें कि बैजनाथ सिंह यादव जो सिंधिया समर्थक हैं 14 जून को कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बताया ये भी गया है कि भोपाल में पीसीसी कार्यालय में उनकी कांग्रेस में वापसी का कार्यक्रम रखा गया है और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के साथ अन्य कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहेंगे। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 2020 में दल बदल के चलते बैजनाथ सिंह यादव सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आज देखा जाए तो वह कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक महेंद्र सिंह यादव को कोलारस में ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं बैजनाथ सिंह यादव। ऐसे में बैजनाथ सिंह की सिंधिया खेमे में पटरी नहीं बैठ रही है और अब बैजनाथ सिंह कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं, जो वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। और ऐसे में वक्त के साथ साथ देखना होगा कि सिंधिया 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए अपने 22 समर्थकों के साथ, लेकिन एक समर्थक अब उनका साथ छोड़ चुका है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।